पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आज मैं क्या कहना चाहना है कि वो जड़े लोग ने उन्होंने बारे असी एक उन्होंने इतने ताकि पंजाबी याद रखन कि ने ये लोग से साढ़े जिन्होंने अपना जंग लड़िया और अंत विच उथे ही पूरे होए उन्होंने बारे असी एक पंजाब दे विच एक मेमोरियल बनाना है और कला कला नाम जो उत्थे काला पानी की सजा च गए से उन्होंने नाम इहदे ते रखना है ताकि याद रखन लोग, नहीं तो आने आने वाली पीढ़ी को यह भी नहीं पता होना लगेगा कि की लड़ाई हुई, कौन गए कौन नहीं। जब मैनू नहीं पता कि वह कौन से, इन्हों की पता लगेगा और आने वाली पीढ़ी तो उही नहीं पता लगना। इस करके जरूरी है कि असी उन्होंने याद रखिए और वो दिन जिहड़ा अज असी मना रहे 75 साल बाद प्राप्ति जो हुई सी उदों वो उन्हां दी कुर्बानियां सी, उन्हां दियां ते होर इन्ने लोग इंसान से पता नहीं किन्ने मारे गए, अपने जेलां दे विच रहे, की कुछ होया, साडे लीडर्स जिहड़े इस लड़ाई दे विच पए किस तरीके नाल उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, जेलां च गए अंग्रेज़ां दे सामने, उन्हां दे कानून दे सामने, उन्हां दे नाल जिहड़ा कुछ होया सारी दुनिया जाणदी। अज उन्हां दा धन्नवाद है साडा, असी उन्हां दी श्रद्धा दे फुल भी भेट करदे हां और असी हर वेले यही समझे कि सच्चे पातशाह उन्हां लोगों नूं, वो पवित्र आत्मावां नूं जिन्हां ने अपने देश की आज़ादी वास्ते अपनी कुरबानियां दित्तियां ने, वो अपने चरणां च सदा वास्ते तुसीं रखो। की चाहुंदे सी उह लोक कि साडा देश खुद मुख्तियारी च आवे, अंग्रेज़ कटे जान और अज हुण 75 साल हो गए ने कि जब तो ये गल हुई है, असी अपना संविधान बनाया, असी अपने देश नूं अगे लैके जा रहे हैं और कोई नहीं समझ सकता सी उस जमाने च कि किस तरीके नाल अपना देश अगे वधूगा। अज ये हो गया कि दुनिया दे विच हिंदुस्तान नूं अज मन्निया जांदा है कि ये भारत, ये भी एक आर्थिक तौर पर भी और हर पक्षों यदि जगह है दुनिया के विच और लोग जड़े इत्थे दुनिया के विच बाहरले मुल्कां दे विच जड़े लोग इस बारे सोचते हैं वो इस गल नूं पछाणदे ने कि हिंदुस्तान बहुत तरीके नाल तरक्की कीती है उन्हें और अगे बढ़े ने। ते अज आपां नूं याद रखने ने शहीद भगत सिंह जी नूं, सुखदेव जी नूं, राजगुरु जी नूं, शहीद उधम सिंह जी नूं जिन्हां ने गवर्नर जो रहे सी उडायर क्लैक्सटन हॉल दे विच जाके उहदा खात्मा कीता सी, क्योंकि उहदे हुक्म नाल ये जलियांवाला बाग च गोली चली सी जदों ब्रिगेडियर डायर ने जाके उत्थे ये अपने बंदियां ते पता नहीं किन्ने किन्ने मर गए, हज़ार मर गए, पर किसी नूं अज तक अंकड़िया नहीं, पता नहीं कि किन्ने ने किन्ने नहीं होए। कल असी एक यादगार उरे उन्होंने बनाई है जो डिस्ट्रिक्ट डीसी दे दफ्तर दे विच आंकड़े से 488 पिंड, वो 488 पिंडा चो एक एक ट्रॉली मिट्टी दी लैके असी वो बिछा के उत्थे उन्हां दी यादगार बनाई है ताकि पता नहीं, क्योंकि उस दिन तां जो गिने जांदे ने वो जांदे ने जो शहीद होए से जलियांवाले बाग दे विच, लेकिन जिहड़े लोग अपने पिंडा च गए जख्मी हो के उत्थे ही पूरे होए कोई याद नहीं सी, लेकिन ये पिंडा का नाम याद सी, वो पिंड है हुण 488 अगर पिंड ने तो 488 तो उपर ही ज़्यादा नंबर उन्हां दी नफरी हो सकती है जिन्होंने ना उत्थे अपनी शहादत दी। पर इत्थे किसी ने कोई 200 कहिंदा है, कोई 400 कहिंदा है, कोई 500 कहिंदा है, इहदे ते होर रिसर्च की लोड़ है और असीं करांगे देखांगे कि कित्थे कित्थे होर बंदे दा नाम सानूं मिल सकदा है जिन्होंने अंतम संस्कार कीती। फिर आया देश का बंटवारा, किन्ने लोग ये शहीद होए वह भी आप सारे जानते हैं, वो दसन की लोड़ नहीं थो, पर नुकसान होया साढ़े मुल्क नूं सारे उधरों पंजाब चो इधर उधर पाकिस्तान तो जिहड़ा हुण पाकिस्तान है उतों लोग इधर आए
इधरों लोग उधर गए और दौरान जिहड़ियां कुछ लोगों दियां इत्थे मौतां होईयां ने इहदा भी कोई आंकड़े नहीं है, सानूं पता नहीं कि किन्ने उत्थे होए। ये शुरू शुरू च ही साडे मुल्क नूं आज़ादी तों बाद इहदे विच दी नज़र इहदे विचों गुजरना पिया। और अज ना भुलिए वो लोग जिहड़े 1947 की लड़ाई च कश्मीर च अपने पंजाबी उत्थे शहीद होए, या फिर 1965-62 चीन दे नाल, फिर 65 पाकिस्तान दे नाल, फिर साढ़े बंदियां ने बंगलादेश रहा के रहाया और उत्थे भी शहीद होए, फिर कारगिल 1999 विच। ये सारिया गल्लां उस आज़ादी नूं जो साढ़े बजुर्ग लैके आए उन्हूं बरकरार रखने वास्ते अपनी कुर्बानियां दित्तियां, उन्हां नूं भी अज याद रखो। तो अज इस खुशी के दिहाड़े ते जो 75वां आपां दिन मना रहे हैं, ये गल्लां मैं आप नूं दसना चाहुंदा सी। कानूनी अवस्था बड़ी तकड़े तरीके नाल असीं रख रहे हैं इत्थे, साडा गुआंढी मुल्क कदे मौका नहीं छड़दा और हर वेले कुड़ना को हेरा फेरी करन दी कोशिश करदा और गड़बड़ करन दी कोशिश करदा है। आ ड्रोन तुसीं सुणदे रहिंदे हो अखबारां दे विच, हथियार भेजे जांदे ने, RTX भेजी जांदी है, ग्रेनेड भेजे जांदे ने, चिट्टा भेजा जांदा है, हेरोइन, और ये सारियां चीज़ां इन्हां दी मेहरबानी है जो साडे गुआंढी ने। और असी बॉर्डर स्टेट, 600 किलोमीटर साड़ी बॉर्डर रह लगती पाकिस्तान दे नाल, तां सानू हर वेले एहतियात होना पौंदा। और साड़ी पुलिस पूरी डट के लगी हुई है, उन्हां दे नाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी है और पिछे उन्हां दी फौज है। अगर ये तां गड़बड़ कराउण दी कोशिश करे तां इन्हां पाकिस्तानियों नूं पता लग जूगा कि हिंदुस्तान की चीज़ है। तो अमृतसर से CM कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने आगे आने वाले वक्त के लिए विकास को लेकर बात कही और कहा कि अभी तक काफ़ी सारा काम हो चुका है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनका संबोधन सुन रहे थे आप, और फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो CM कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें बोल रहे थे। जिस तरह से उन्होंने विकास को लेकर बात कही, आने वाले वक्त में जनता को देने वाली योजनाओं के लाभों को लेकर बात कही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।